नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मदरसन सोने की। उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि कुछ चीज़ें समझना है आपको या समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि दोस्तों लगातार बियरिशनेस में दिख रहा है ये चार्ट, 200 EMA को इसने रिस्पेक्ट किया था, फिर गिरावट आई, फिर 100 के आसपास गिरावट आई, अब 50 से रिटेस्ट कर रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में जो सिखाता हूँ एकदम लेमन लैंग्वेज में, यानी कि आम बोली चाली में जो शब्द यूज होते हैं उसके हिसाब से समझाता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे। क्योंकि जैसे मुझे टेक्निकल वर्ड याद है, अब आप अगर इस फील्ड में नए नए हों तो आपको सारे टेक्निकल वर्ड याद नहीं रहेंगे, तो आपको चीज़ें समझने में तो देरी भी लगेगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और कुछ ऐसा लगेगा कि यार बहुत टफ़ चीज़ है ये, और वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि टफ़ चीज़ों को आसान तरीके से कैसे समझाया जा सके। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एक साधारण शब्दों में पहले 200 EMA से इसने रिट्रेस किया, फिर 100 से किया और 50 से करा। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा घर से निकला था UPSC के लिए, उसने UPSC एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, फिर इसने दी MPPSC की एग्ज़ाम, वो MPPSC की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया और अब वो दे रहा है MP पुलिस में हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की एग्ज़ाम, अब वो भी क्लियर करने में उसको डर लग रहा है। तो आपको सुनने में बड़ा फनी लगेगा कि यार ऐसा होता है, लेकिन देखिए सारी चीज़ें चार्ट पे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाता हूँ ताकि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही आपको बता सकता है चीज़ें काम कैसी करती, क्योंकि सारी चीज़ें किताबें नहीं सिखा सकती। देखिए यहाँ देखिए, इसने 214 के आसपास, तब ये 50 EMA था, सो ये जब ये 200 EMA था, यहाँ से रिट्रेस करा, फिर आया, फिर इसने यहाँ फिर 200 पे वापस गया, फिर आया फिर 100 पे, फिर आया फिर 50 पे। इसका मतलब ये है ये UPSC हो गया इसके लिए, ठीक है, फिर ये MPPSC हो गया और ये भी MP पुलिस का कॉन्स्टेबल हो गया। चूँकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ इसलिए MP पुलिस बोल रहा हूँ, आप अपने राज्य के हिसाब से पुलिस देख लीजिएगा। अब देखिए ये फिर MP पुलिस से डरा, फिर ये हुआ, फिर इसने कोशिश करे ऊपर जाने की, MPPSC देने की, रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, फाइनली इसने किसी अच्छे मेंटर्स के मोटिवेशनल वीडियो देखे, मतलब कैंडिडेट और शेयर दोनों सेम ही बिहेव करते हैं, फिर यहाँ आया इसने, फिर यहाँ से रिट्रेस लिया और उसी के आगे की बात हमने अभी स्टार्ट करी थी। अब आगे क्या, अब दोस्तों कैंडलस्टिक चार्टिंग प्रोग्राम में या कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक में इनको ड्रेजन फ्लाई डोजी या हैंगिंग मैन बोलते हैं इनको। यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए क्योंकि मैं चीज़ें समझता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। ये हैंगिंग मैन मतलब ये ऊपर लटकता हुआ, जैसा वो ईसा मसीह के जो लटकते हैं ना, वो जो प्रभु यीशु प्रभु उनको हैंगिंग मैन है, जैसे उनको हैंग कर दिया था खंभे पे, ऐसा ही हैंग कर देते हैं। हैंग करने का मतलब ये है कि चीज़ें खुली, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी आया इसमें, लेकिन सेलर इतने कन्विंस नहीं थे या सेलर इतने भारी नहीं थे कि बायर को कर लेते अपने अंडर में। यानी कि यहाँ पर बुल्स के कंट्रोल में था मार्केट, वो लगातार 3 दिन से वही हो रहा है। दोस्तों कोई चीज़ें लगातार हो रही हो तो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ फेवर में क्या है ये 50 EMA, 50 EMA को लगातार ये ऊपर की साइड क्लोज नहीं कर पा रहा, वहीं से रिट्रेस ले रहा। तो कल अगर ये इसी लेवल पे 125 के आसपास खुले तो 120 के लिए हम इसमें शॉर्ट करने की जगह देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो कर ही लीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको एक टेक्निकल चीज़ें बड़े ही आसान और साधारण शब्दों में सीखने को मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।